किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के राजनीति के अंदर पूरी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। एक सीनियर सांसद हैं, उनको हर दो तीन दिन में मर्जी आए वहाँ धरने पे बैठ जाते हैं, मर्जी आए वहाँ पर प्रशासन के लिए जनता के लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं, मर्जी आए उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। सुबह उठ करके ईडी को इनकम टैक्स को कुछ कागज़ दे आते हैं, दूसरे दिन वो डिपार्टमेंट के लोग बुलाते हैं तो पता है अब चलता है कि किरोड़ जी गायब हैं। तो क्यों गायब हैं, उसकी मंशा पता चलनी चाहिए। उनके जो एक्टिविटीज़ है किरोड़े लाल जी की लंबे समय से, वो जांच का विषय है। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी कहूँगा कि किरोड़े लाल जी मीणा ने अभी तक 5 साल के अंदर कितनी शिकायतें की, कितनी शिकायतों में बयान देने आए, और कितनी शिकायतों के अंदर उन्होंने मेल मिलाप किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो आरोप उन्होंने मुझे लगाए हैं, मेरे पर लगाए हैं, मैं अभी उदयपुर से निकला ही इसलिए हूँ, मैं फ़ोन भी उनको कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं कल उनसे जयपुर में रूबरू मिलने की कोशिश भी करूँगा, मिलते हैं तो ठीक है, वरना मेरे वकीलों के मार्फत मैं उनके ऊपर मेरी जो छवि खराब की है और मेरे परिवार को जो और मेरे दोस्तों को जो दुख पहुंचा है, उस सब को लेके मैं 500 करोड़ का दावा किरोड़ी लाल मीणा पे मानहानि का करने जा रहा हूँ, ताकि इस तरीके का झूठा बयान कोई जिम्मेदार आदमी किसी के ऊपर लगाने से पहले सोचे कि सवाल पैसे का नहीं है कि 500 करोड़ का करो 200 करोड़ का करो, लेकिन एक सांसद हो करके इस तरीके के झूठे आरोप लगा करके आप जनता को भ्रमित करते हो, तो ऐसे लोग जनता के बीच में बेनकाब होने चाहिए। कई लोग चर्चा करते हैं किरोड़ी लाल जी के सारी बातों को लेकर के, लेकिन मैं आज सागवाड़ा में भी कहा, डूंगरपुर में कहा और मेवाड़ की इस धरती पे भी कह रहा हूँ कि उदयपुर डिवीज़न के लोगों को छेड़ने की कोशिश मत करो किरोड़ी लाल जी, क्योंकि आप मान मर्यादा महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर रहते हैं, उनकी भूमि है। झूठ होगा, गलत होगा तो जनता के सामने आ जाएगा, लेकिन लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, कि उधर के आपके लोगों को डरा करके और आप जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हो, उदयपुर संभाग के लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग मत करिए, भारी पड़ेगा किरोड़ी लाल जी मीणा को, कि वहाँ के लोग डर जाएंगे जो गलत काम से उनके यहाँ दिनेश खोडनिया उसकी टीम का एक आदमी किरोड़ी लाल की इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं दावा भी करूँगा और खुलेआम वो सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अकेला जाकर के उनके खिलाफ कैंपेनिंग करूँगा कि अगर आपने इसको चुना दिया आपको ब्लैकमेल करेगा, ऐसे व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाने चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सवाई माधोपुर के अंदर किरोड़ी लाल मीणा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा।